नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी मर्चेस में। दोस्तों आप देख रहे हैं आज रिव्यू ऑफिसर के पेपर का एनालिसिस। इसका पहला वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, अब ये मेरा दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं जो कि रीजनिंग के हैं और मैथ के हैं। दोस्तों इसको आप देखिए और आप मिला लीजिए आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। इसके बाद एक और पार्ट आएगा जिसमें बाकी के क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा। तो दोस्तों ये देखिए क्वेश्चन नंबर 115 है, इसमें आपको स्क्वायर्स काउंट करने हैं। तो सारे स्क्वायर्स जिसको आप काउंट करेंगे तो आएगा आंसर 13। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, तो ऊपर वाली लाइन में 4, निचली लाइन में 4, 4 8 हो गए। 8 के बाद एक स्क्वायर ये हो गया 9, और एक स्क्वायर ये हो गया 10, और एक स्क्वायर हो गया 11, एक ये हो गया 12, और एक ये हो गया 13। इस तरह से 13 स्क्वायर हो गए। नीचे दी गई सरणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसका जो मिसिंग नंबर है आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 4। बी इसका आंसर सही है। राम 1 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलकर 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है, वहाँ से फिर 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलकर अंत में 9 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। वह अपने आरंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है? इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 5 आएगा आंसर। आप ग्राफ बना के जब सॉल्व करेंगे, अगर किसी किसी को इसका डिटेल चाहिए तो उस बता देगा, मुझे कमेंट में लिख देगा, मैं उसके लिए अलग से उसको वीडियो बना के समझा दूंगा, या फिर कमेंट में ही उसका मैं एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। अभी मैं यहाँ पे सबके फटाफट आंसर बता दे रहा हूँ जिससे आपके आप अपने मिला सकें कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। ये एक सीरीज दी हुई गई है दोस्तों, इसमें मिसिंग नंबर पूछा गया है, लुप्त संख्या क्या है वो पूछा गया है। तो इसमें जो सीरीज दी गई है इसका इसका लास्ट में जो यहाँ लगा हुआ है इसका आएगा 336, 336 इसका आंसर होगा। 119 प्रश्न है, कुछ संत शहीद थे सत्य है, तो तर्क वाक्य कुछ शहीद असंत असंत नहीं थे के सत्य अथवा असत्य होने के बारे में क्या अनुमान किया जा सकता है? निश्चित है इसका आंसर, ए है इसका आंसर। किसी कूट भाषा में सिस्टर और CAR को क्रमशः 2 1 2 3 4 5 और 7 6 5 लिखा जाता है, तो 6 5 5 4 2 3 निम्नलिखित में से किसका कूट है? ये पहले का कूट है, ARRESTका कूट है। ये दोस्तों एक ट्रायंगल के अंदर कुछ संख्याएं बनी हुई हैं और इसका मिसिंग नंबर पूछा हुआ है, एक्स नंबर पूछा हुआ है। इसमें दोस्तों मुझे कुछ कन्फ्यूजन है अभी, इसके बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो में कुछ नहीं बता रहा हूँ, अगले वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। अगर आपको इसका आंसर पता चल जाए तो इसमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और बताइएगा मुझे क्या आ रहा है इसका आंसर। 122 क्वेश्चन नंबर 122 है, इसमें स्कूल की घंटी 8 बार बजने में 14 सेकंड लेती है, 4 बार बजने में कितना समय लेगी? तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो है, जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं 6 सेकंड, 8 सेकंड, 7 सेकंड और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है 6 सेकंड है। ए बी से लंबा है, ये क्वेश्चन लंबाई वाला है, परंतु सी जितना लंबा नहीं है, डी ई से लंबा है परंतु बी जितना लंबा नहीं है, ई एफ से लंबा है परंतु डी जितना लंबा नहीं है, इन सब में सबसे अधिक लंबा कौन है? इसको आप जो सीरीज बनाएंगे तो उसका आंसर आएगा सी। सी इसका सी आंसर बी है, लेकिन सी सबसे ऑप्शन सी है इसका। निम्नलिखित अनुक्रम का अगला अक्षर कौन सा है? ये सीरीज है, सीरीज में इसका अगला अक्षर आएगा वी। MiG-21 वायुसेना लड़ाकू विमान को अकेले में उड़ाकर इतिहास रचने वाली पहली महिला लड़ाकू विमान का नाम बताइए। अवनी चतुर्वेदी, अवनी चतुर्वेदी ने इस लड़ाकू विमान को अकेले उड़ाया हुआ है। उस भारतीय जिमनास्ट का नाम बताएं जिसने फरवरी 2018 में जिमनास्ट विश्व कप में पहली बार व्यक्तिगत पदक जीतकर इतिहास रचा था। अरुणा बुद्धा रेड्डी ने इतिहास रचा था इस तरह का पहली बार। दोस्तों जीके के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, रीजनिंग बहुत अच्छा है, ये रीजनिंग इजी रीजनिंग आई है, इसमें लोगों ने सब कुछ कर लिया होगा आराम से, और मेरिट हो सकता है इसके कारण थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाए। दिया गया है कि ए बी सी ए बी का भाई है, सी ए का पिता है, डी ई का भाई है और ई बी की पुत्री है तथा डी का चाचा है। इसका आंसर है ए, अब डी का चाचा क्या है? ए, ए ऑप्शन भी ए है और आंसर भी ए है, इसको ध्यान रखिएगा। नीचे दिए गए अनुक्रम में क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आना चाहिए? सीरीज है पूरी, इस सीरीज का सही आंसर है SVY, SVY आएगा। आगे का देखते हैं दोस्तों,
हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2018, हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2018 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जो कथन दिया गया है, विश्व में भारत तीसरा सर्वाधिक अरबपतियों की संख्या वाला देश है। भारत में 118 अरबपति हैं, चीन में सर्वाधिक संख्या में अरबपति हैं। इसका जो आंसर है 1 और 3 सही है, इसमें ये सही है और एक ये सही है। भारत में 118 अरबपति नहीं है, ये गलत है आंसर इसका। ये नंबर 2 का जो पॉइंट दिया गया ये गलत है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ? नई दिल्ली में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का जो शिखर सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में हुआ है। सुल्तान अजलान शाह कप 2018 जीता था, भारत ने जीता था। भारत, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, जर्मनी का ऑप्शन दिया गया है। कौन सा देश 24वें शीतकालीन ओलंपिक के 2020 की मेजबानी करेगा? इटली, जापान, जर्मनी, चीन में। आंसर जो है चीन सही है इसका। 21वां फीफा विश्व कप 2018 निम्नलिखित में से किस देश में संपादित होगा? ब्राजील, स्पेन, अर्जेंटीना, रूस। इसका आंसर रूस है। मार्च 2018 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की गई विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2018 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत पिछले वर्ष 2017 के अपने स्थान से 11 स्थान नीचे पहुंच गया। फिनलैंड प्रथम स्थान प्राप्त कर सर्वाधिक खुशहाल देश है। इस रिपोर्ट में केवल 155 देश सम्मिलित थे। यह 3 कथन दिए गए हैं। इन 3 कथन में से क्या सही है क्या गलत है इसको हमको देखना है। तो कथन 1 सही है, इसमें 11 स्थान नीचे पहुंच गया था ये भारत। और कथन 2 फिनलैंड फर्स्ट स्थान पर, ये भी सही है। इस रिपोर्ट में 155 देश नहीं शामिल थे, ये ऑप्शन जो है इसका ये गलत है। तो इसलिए हमारा आंसर बनता है बी। बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का मुख्य विषय यानी कि थीम क्या थी? प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करो, यह थीम थी हमारी इसकी। और ऑप्शन भी क्या दिया गया? प्रकृति में लोगों को जोड़ना, एक विश्व, हमारा पर्यावरण, प्लास्टिक प्रदूषण की समाप्त करो, भविष्य के लिए जल बचाओ, ये सब दिया गया है। लेकिन हमारा ऑप्शन जो है ये प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करो, ये ऑप्शन है। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो 100% संयुक्त 100% जो है सौर ऊर्जा पर चलता है? चंडीगढ़, दीव, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पांडिचेरी। तो इसमें दीव आंसर है। और मार्च 2018 में भारत में किस राज्य ने अपने राष्ट्रध्वज का अनावरण किया? मार्च 2018 में राष्ट्रध्वज, अभी हाल ही की न्यूज में आई थी ये खबर, सभी लोगों ने देखा होगा न्यूज को। कर्नाटक ने अपना एक राष्ट्रीय अपना एक ध्वज जो है राज्य अपने राज्य का एक अलग से झंडा उसने जो है अपनाया है। तो इसका आंसर कर्नाटक है। इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, पश्चिम बंगाल दिया, केरल दिया, महाराष्ट्र दिया हुआ है। काफ़ी पॉपुलर न्यूज थी ये, काफ़ी विरोध हुआ था इसका कि किसी राज्य को अपना झंडा इस तरह से नहीं रखना चाहिए और नेशनल फ्लैग को ही इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2018-19 के आधार पर सूचीबद्ध सूचितों को सम्मिलित करना है और इधर क्षेत्र दिया गया है और इसमें बजट कितना कितने लाख करोड़ में दिया गया है, रक्षा का कितना दिया गया है और कृषि तथा संबंध गतिविधियों दिया गया है, खाद्य सब्सिडी दी गई, ग्रामीण विकास दिया गया है। तो इसको जो हम सम्मिलित करेंगे दोस्तों, तो रक्षा का बजट जो दिया गया है और ये सब सब जो है सीरीज में ही है। इसका आंसर है 1, 2, 3, 4, सब लाइन से सही दिया गया है, ये सारी चीज़ें सही दी गई हैं। टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 20 मार्च 2018 को वह पुरुष एकल में विश्व के नंबर 1 रैंक वाले खिलाड़ी हैं। वह 20 पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी हैं। मार्च 2018 तक उन्होंने 7 बार पुरुष एकल विंबलडन जीता है। इसमें से कौन कौन से पॉइंट सही हैं उनको हमें बताना है। तो पहला पॉइंट तो ये सही है, नंबर 1 रैंक के खिलाड़ी हैं तो सभी को मालूम है। 20 ग्रैंड स्लैम भी इन्होंने जीते हैं, ये भी सही है। लेकिन ये 18 में उन्होंने 7 बार जीता, ये गलत है। तो हमारा जो आंसर सही हो रहा है वो है ए, केवल 1 और 2। निम्नलिखित में से किस देश में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन की कमी करने हेतु 2019 से कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है? सिंगापुर ने किया है। ये भी 2017 के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों यहाँ 140 प्रश्न आए थे जो पूरे एग्जाम में, उसमें से हमने 23 प्रश्न पहले वीडियो में कवर किया था और इस वीडियो में भी हमने इसमें कवर कर लिए हैं। सेकंड वीडियो में 115 से लेकर 120 तक के क्वेश्चन हमने इसमें कवर कर लिए। बाकी के जो क्वेश्चन हैं दोस्तों वो हम अपने अगले वीडियो में लेके आएंगे। दोस्तों आपको आगे के सॉल्व मिल सकें इसके लिए आप हमारे चैनल को CP स्मार्ट क्लासेस को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो दोस्तों अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।